अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई रहने के लिए। अब तो विमल जब तक नहीं आ जाते टूर से, तब तक मैं यहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे भी इंतजार है कि कब ये बच्चा मेरी गोद में खेलेगा। वो दिन बहुत जल्द आएगा। आत्माओं की दुनिया जितनी डरावनी होती है उतनी ही विचित्र भी, लेकिन जितनी विचित्र होती है उससे कहीं ज्यादा अचंभित कर देने वाली। ऐसी एक सच्ची घटना सन 2002 में केरला के एक प्रोफेसर सुकुमार के साथ घटी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद सुकुमार अपनी बेटी राजेश्वरी और पैरालाइज्ड पिता के साथ एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक असाधारण बुरी शक्ति कहर बनकर उनके जीवन को तहस नहस करने वाली थी। कौन जी? वो मैं घर जा रही थी पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? जी आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, बैठिए। थैंक यू। Thank you.
इफ यू डोंट माइंड, मैं जान सकता हूँ कि आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। आई एम सो सॉरी, मैंने अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा। मालिनी। मालिनी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात को आप ऐसी सुनसान जगह पे क्या कर रही थी? एक्चुअली मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। देखिए प्लीज, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। आप प्लीज मुझे आगे कहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। ऑलराइट, आप मुझे तकलीफ नहीं दे रही। एक काम करते हैं ना, मैं आपको आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी दोस्त के पास छोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जिसके घर मैं इस वक्त जा सकूं। तो फिर हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी एक बेटी है, आप उसके साथ रूम शेयर कर सकती हैं जब तक कि आपका कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। इफ यू डोंट माइंड। आर यू श्योर? या आई एम श्योर, इफ यू डोंट माइंड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पापा वो राजेश्वरी, ये मालिनी है। ये मुझे रास्ते में मिली। एक्चुअली इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए इन्हें हम अपने साथ रख लेते हैं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ऑफ कोर्स पापा। कुकी? पापा, ये अचानक कुकी को क्या हो गया? वैसे तो जब नए मेहमान आते हैं वो उनसे बहुत घुल मिल जाता है। मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है। I'm sure हम जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। कुछ तो ऐसा था मालिनी में जो सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था, पर वो क्या था पता नहीं। और पहली ही रात हम दोनों भी दोस्त बन गए। ये रहा हमारा ब्लैंकेट। थैंक यू। वेलकम। राजेश्वरी, तुम पर ये कलर बहुत सूट कर रहा है। हाँ, थैंक यू। वैसे आपकी भी हंसी बहुत प्यारी है। थैंक यू। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? लगता है कोई आया है, मैं भी आती हूँ। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। और मेरा छोटू कैसा है? वो भी मजे में है। वो ही ये मालिनी आंटी है। मालिनी आंटी ये मेरी बुआ है। वो ही वो मालिनी आंटी आजकल हमारे साथ ही रह रही है। आप अपने बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगी ना? हाँ।
बंद करो इसे, बंद करो। मैंने कहा बंद करो इसे। अगली बार इस तरह बातें कभी मत खोलना। सुबह सुबह धूप का मेरी आंखों में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर दर्द होता है। ओह सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मालिनी की ये बात अजीब लगी। उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और उस दिन सुबह से ही दादू की तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ दादू? बोली ये क्या है? पापा ये देखो, दादू को किसी कीड़े ने काटा है। ये कैसे कीड़े ने काटा है? कितनी बार आपको कहा है पापा कि रात को जाली वाली खिड़की बंद करके सोया कीजिए। अब देखो किसी कीड़े ने काट लिया, रात को कितने सारे कीड़े आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कुकी को क्या हो गया? आई डोंट नो। क्या हुआ अंकल जी को? वो पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया। क्या हुआ? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपसे एक बात पूछूं? आपकी वाइफ नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ साल पहले मुझे छोड़ के चली गई इस दुनिया से। तो आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे राजेश्वरी की मां जैसी कोई मिल सकती है। जरूर मिल जाएगा। पापा बैंगन का भरता, पापा को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। रियली? बैंगन का भरता तो मुझे भी बहुत पसंद है। Thank you.
पापा, कल से कुकी कितना अजीब सा बिहेव कर रहा है, बेचारा बस भौंके ही जा रहा है। आपको पता है, एक बार मैं अपने दोस्त विद्या से बात कर रही थी कि उसकी दादी कहती है जब भी कुत्ते इस तरह भौंकते हो या इतना अजीब बिहेव करते हो ना, इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने कोई बुरी आत्मा देखी है। उस दिन जब मैं घर लौटी तो पापा ने अचानक से अपनी और मालिनी की शादी की अनाउंसमेंट की। उस रात मैंने पापा से बात की कि कहीं वो इतनी जल्दी शादी का फैसला लेकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल मालिनी को ठीक से जानते भी नहीं थे वो, पर पापा बहुत श्योर थे। और फिर मालिनी ने भी मुझसे कहा कि वो पापा से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखेगी। के पिता ने मालिनी के असली रूप को देख लिया था। उनकी आंखों का डर अपने परिवार की तबाही को देख रहा था, पर वो बोलने से लाचार थे। मालिनी के आकर्षण में सुकुमार खुली आंखों से भी कुछ देख नहीं पा रहे थे, जिसे वो अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे। दरअसल वो उनका काल बनकर आई थी। धीरे धीरे उनके परिवार का बुरा दौर शुरू हो गया। पहला शिकार हुआ घर का वफादार कुत्ता। राजेश्वरी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उस घर में तीन लोग बचे थे। दूसरा नंबर किसका था कोई नहीं जानता था। सुबह दादू को हमने खो दिया। हमें से कोई भी इंक्लूडिंग द डॉक्टर समझ ही नहीं पाया कि अचानक दादू को खून की कमी हुई कैसे। और उधर दूसरी तरफ पापा ने अपनी शादी प्रीपोन कर ली, क्योंकि पितृपक्ष पूरा होने के बाद एक साल तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था।
जजमान जी, अगले महीने की 5 तारीख का मुहूर्त बहुत शुभ है विवाह के लिए। धन्यवाद पंडित जी। अरे मालिनी, पंडित जी ने पंडित जी क्या, पंडित जी अचानक पंडित जी को क्या हो गया? और मालिनी आंटी भी कितना अजीब बिहेव कर रही थी। हाँ मालिनी, मालिनी आंटी, मालिनी दरवाजा खोलो, मालिनी, मालिनी आंटी खोलो ना। मालिनी ये क्या है? वो गुरुजी अजीब सा बिहेव कर रहे थे और तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे ऐसे पाखंडी लोग बिल्कुल नहीं पसंद और मैं नहीं चाहती कि आप अपना समय इन पर बर्बाद करें। और रही बात शादी की, मैं चाहती हूं कि हम एक सिंपल कोर्ट मैरिज करें। राजेश्वरी, आई थिंक ये सही बोल रही है। ये गुरुजी अचानक ऐसे क्यों चले गए? कुछ तो बात जरूर है। कई बार मैंने देखा कि मालिनी रात को घर पर नहीं थी। पूछने पर कहती कि बाहर ताजी हवा खाने चली जाती है। अब मुझे यकीन होने लगा था कि मालिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मालिनी आंटी कहाँ चली गई? मालिनी आंटी, 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 मालिनी आंटी। पापा, पापा जल्दी उठिए। क्या हुआ? पापा, मालिनी आंटी में कुछ अजीब है पापा। मैंने अभी उनको सूखे पेड़ पर बैठे हुए देखा और उनका फिर टूटे हुए अपने बालों से ढका हुआ था। पापा, शी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पापा। उनमें कुछ कोई भूत सा आ रहा है पापा। पर राजेश्वरी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो क्या बात है इतनी रात? राजेश्वरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? मालिनी,
तुम जाके सो जाओ। एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे कल डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। राजेश्वरी तुम भी चलकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। कम नहीं, वो मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कल ही उसे स्कूल में सबमिट भी करना है। प्रोजेक्ट इतनी रात को? कल सुबह कर लेना। चलो अभी चलकर सो जाओ बेटा। बच्चों को इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका दिल बहुत कमजोर होता है ना। चल सो जाते। नहीं मुझे काम करना। ठीक जल्दी आ जाना सोने। सुबह की धूप और सूरज की रोशनी से मुझे बहुत परेशानी हो रही। हमारे घर के सारे आईने कहाँ हैं? सुकुमारन से कहकर मैंने सारे ढूंढ लिए। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई रहने के लिए। अब तो विमल जब तक नहीं आ जाते टूर से तब तक मैं यहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे भी इंतजार है कि कब ये बच्चा मेरी गोद में खेलेगा।
चल आएगा। मुझे विद्या के पास जाना है बुक्स कलेक्ट करने, तो मैं आती हूँ। ठीक है। गुरुजी, उस दिन अचानक आप हमारे घर से लौट गए, क्या हमसे कोई भूल हो गई थी? उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आया तो मुझे तुरंत ही यक्षिणी का आभास हो गया। यक्षिणी? गुरुजी, यक्षिणी क्या होता है? यक्षिणी भी आत्माएं होती है। ये अपने आप को सुंदर और जिंदा रहने के लिए खून चूसती रहती है और अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए पुरुषों को सम्मोहित करके उनका शिकार करती रहती है। अब तुम मुझे शुरू से अंत तक सारी बातें बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। देखा, फिर से लात मारी इसने। बहुत शैतान हो गया ये। यक्षिणी को हर 10 साल में एक भ्रूण की जरूरत होती है। अगर भ्रूण ना मिले तो उसका रूप ढल जाता है और उसकी उम्र साफ दिखाई देने लगती है। और बहुत ज्यादा दिनों तक भ्रूण ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब समझ में आया कि उसने तुम्हारे पापा को अभी तक नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसे पता है कि विशाला से अपनापन बनाए रखने के लिए सुकुमार ही एक मजबूत कड़ी है। अगर वो सुकुमार को मार देती है तो उसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा विशाला के पास रहने के लिए। और साथ ही साथ विशाला के पेट में पलने वाले भ्रूण की पूरी तरह रचना नहीं हो जाती तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता। मुझे 4 महीने इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे के साथ अभी इसी वक्त खेलूंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? मालिनी, दर्द हो रहा है मालिनी। भैया, भैया, मालिनी, मालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? प्रेग्नेंट है? मालिनी छोड़ो, मालिनी छोड़ो उसे, मालिनी, मालिनी। तुझसे कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आ।
मालिनी, मालिनी प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। रुक जा दुष्ट आत्मा रुक जा। तू यहां क्यों आया है? चला जा यहां से। अब मेरा नहीं, तेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं चाहूंगी यहां से। तू भेजेगा मुझे? अब ये अपने असली रूप में आ गई है, इससे लड़ना बहुत कठिन होगा। अब हम क्या करेंगे? इसका बस एक ही उपाय है, तुम इसके थोड़े से बाल मुझे ला कर दो। जाओ, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। ले लीजिए गुरुजी। शाबाश बेटा, अब मैं इसे अपने वश में करूंगा। Come on, 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 come on
यक्षिणी मुक्त हो गई, लेकिन आज भी वो सुकुमार, राजेश्वरी और उसकी बहन के जहन में जिंदा है। कभी कभी हम अपने डर को अपना साथी बना लेते हैं। सुकुमार की एक गलती जीवन भर के लिए उसके लिए एक अभिशाप बन गई। कहते हैं मौत और डर दबे पांव आते हैं, शायद तभी हम इस दुनिया के रहस्यों को जान नहीं सकते। और जिसको आप जान नहीं सकते उससे आप बच कैसे सकते हैं? कई अनसुलझी कहानियां भी बाकी हैं। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।